बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से आज का व्लॉग। दोस्तों अभी टाइम 11 हो रहे हैं और अब्बू ने बोला है कि स्प्रे करने जाना है, गन्नम को बीमारी लग गई है, तो इसलिए अभी मैं स्प्रे करने के लिए तैयार हो गया हूँ। बल्कि तैयार नहीं, वैसे जाना है, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, स्प्रे के लिए भी रेडी हो के स्प्रे करने जाना है। अभी दोस्तों पायली के अंदर पहुंच गए हैं, खुरम भाई भी साथ हैं, इनको रास्ते में से लिया है और ये टैंकी पीछे पहनी हुई है। तो ये गन्ना है गंदम जिसको स्प्रे करना है। आपको दिखाते हैं कौन सी बीमारी है। ये नज़र आ रहा होगा सारी गंदम येलो ही। ये दोस्तों गंदम येलो हो गई है, इसको पंजाबी में कुंगी कहते हैं, मतलब पत्ता ऐसे हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए स्प्रे करना है। अभी जा रहे हैं इधर पानी से उधर टैंकी भरेंगे। दोस्तों अभी गर्मियाँ आ गई हैं इसलिए आज कैप भी पहनी हुई है, अच्छी खासी गर्मी है। कैप भाई की पहनी है, अपनी नहीं मिल रही थी। और गंदम भी अच्छी खासी बड़ी हुई है, इसके अंदर स्प्रे करना मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा लेट आए हैं ताकि सारा कोरा वगैरह उतर जाए। अब थोड़ी थोड़ी हवा है, बिल्कुल गंदम साफ हो गई है। अभी दोस्तों तालाब पे पहुंच गए हैं, इधर से पानी भरना है। ये देखे पहले वाला स्प्रे करते रहे हैं जब गंदम छोटी थी, उसके इधर ये बोतलें वगैरह पड़ी हुई हैं, तो आज फिर स्प्रे करना है गंदम को। अच्छा खास दोस्तों ये है स्प्रे, जोन सा येलो हो जाए तो उसके लिए करना होता है कि ठीक हो जाए। ये है कोंडो, ये इसका एक ढक्कन फेंकना होता है एक टैंकी में, और एक एकड़ में 4 या 5 टैंकियाँ करनी होती हैं। तो अभी ये डालते हैं टैंकी के अंदर पानी वगैरह। अभी ये 2 बाल्टियाँ पानी के नीचे डाल ली हैं, वो आप ऊपर से ये जहर फेंकेंगे, उसके बाद बाकी टैंकी फिल टॉप करेंगे जहर फेंक के। ये इतना फुल करके एक फेंक देना बीच में। दोस्तों टैंकी सारी बिल्कुल पानी के साथ फिल कर ली है और अब गंदम के अंदर स्प्रे करेंगे। काफ़ी वजनी टैंकी है, इसमें तकरीबन 20 लीटर पानी आ जाता है।